पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा, जिसके श्रवण से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है, और जिसके व्रत को करने से, कथा श्रवण करने से भगवान श्री हरि की अपार कृपा मिलती है। मनुष्य तन मन की शुद्धता करके यदि पाप मोचनी एकादशी को कर लेता है तो सभी पापों से छूट जाता है, और पाप से छूटने पर सभी दुखों से छूट जाता है। उसे सुख शांति समृद्धि सभी को जीवन में भगवान की कृपा से मिलती है। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें और भोजन नहीं करना चाहिए। साफ सफाई इत्यादि करके भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। यदि शालिग्राम हो तो उनकी आराधना विशेष रूप से करें, नहीं तो जो भी चित्र हो उसी में फूल फल इत्यादि समर्पित करके आरती करें, भगवान का कीर्तन करें, और सत्य धर्म इत्यादि का पालन करते हुए कम से कम बोलें और भगवान के नाम का सुमिरन करते रहें। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। धूप दीप जलाएं, चंदन लगाएं, पुष्प प्रसाद अर्पित करें, आरती करें, एकादशी के महात्म की कथा को श्रवण करें, और ऐसा करते हुए व्रत करें। द्वादशी तिथि पर सुबह उठने के पश्चात ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं, दान दक्षिणा देकर विदा करें। पारण काल में स्वयं भी व्रत का पारण करें, और भगवान श्री हरि को इस दिन तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए, वो भी मंजरी सहित मिले तो अति उत्तम है। पाप मोचनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा इस प्रकार है। धार्मिक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुरातन काल में चैत्र रथ नामक एक बहुत सुंदर वन था। इस वन में चिवन नामक ऋषि के पुत्र मेधावी तपस्या करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं अप्सराओं और देवताओं के साथ विहार करते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे, लेकिन अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थीं। इसलिए एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेज दिया कि जाओ ऋषि की तपस्या भंग कर दो। अपने नित्य से गायन से सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया। मुनि मेधावी मंजू घोषा अप्सरा पर मोहित हो गए। इसके बाद अनेक वर्षों तक मुनि ने मंजू घोषा के साथ विलास में समय व्यतीत किया। बहुत समय बीत जाने के पश्चात मंजू घोषा ने वापस जाने के लिए अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ। जब ऋषि को ज्ञात हुआ कि मंजू घोषा ने किस प्रकार से तपस्या भंग कर दिया है, तो क्रोधित होकर मंजू घोषा को पिशाचिनी निशाचरी होने का श्राप दे दिया। इसके बाद ऋषि के पैरों पर गिर पड़ी और कहा, हे मुनि, मुझे मुक्ति का उपाय बताइए, मैं दीनहीन हूँ। मंजू घोषा जब बार बार विनती करने लगी तो मेधावी ऋषि ने उसे श्राप से मुक्ति प्राप्ति के लिए उपाय बता दिया कि तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो, जिससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ये चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और तुम अपने पूर्व रूप में पहले के जैसे हो जाओगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बता दिया मेधावी ऋषि ने। फिर स्वयं पिता महर्षि चिवन के पास चले गए। श्राप की बात सुनकर चिवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, ये तुमने क्या कर डाला, अच्छा नहीं किया। ऐसा कर तुमने भी तो पाप किया है, इसलिए अब तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके अप्सरा मंजू घोषा को श्राप से मुक्ति मिल गई, और मेधावी ऋषि के भी सभी पाप नष्ट हो गए और वो भी भगवान को प्राप्त हो गए, भगवान का दर्शन किया। इस तरह से सभी के पाप नष्ट हुए, वो अपने स्वरूप में आ गई और स्वर्ग का सुख प्राप्त किया। और इच्छा थी मेधावी ऋषि को भगवान के दर्शन की, तो उन्हें भगवान ने दर्शन भी दिया। इस तरह सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हुई और उनके पाप नष्ट हुए। इस कथा को जो भी श्रवण करता है उसे भगवान श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा मिलती रहे, बनी रहे। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं
वंदे विष्णुभव भय हरणम सर्वलोकैकनाथम। जय श्री हरि।